स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर बाइक गुरु चैनल में आने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं सजीर बाइक गुरु। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं दोस्तों। आपको बताऊंगा TVS Apache RTR बाइक है और इसमें प्रॉब्लम होता है हेडलाइट की। हेडलाइट जो बॉल होता है इसमें लाइट नहीं होता है अच्छा से, पिकअप देने से लाइट थोड़ा कम जाता है। तो मैंने ये बहुत कुछ चीज़ चेक किया फिर भी नहीं हो रहा है, उसके बाद मेरे को ये रोग पता चला है, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। तो दोस्तों देखो, मैंने पूरा सेट लगाया है, हेडलाइट यूनिट है, ये 1145 रुपये इसका कीमत है, ये मैंने लगा दिया है बगैर LED का। और पूरा LED वाला जो ले सकते हैं तो वो 1800 के आसपास में मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों मैंने ये पूरा सेट चेंज किया, देखो ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ा इसमें थोड़ा खरोच है ये हल्का करके, बाकी इसका लाइट वगैरह ठीक है। तो मैंने सोचा हेडलाइट यूनिट का जो रिग्लेटर है वो ठीक से क्लियर नहीं दे पा रहा है, तो मैं चेंज कर दूँ। मैंने चेंज किया फिर भी लाइट प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि इग्निशन ऑन किया, अब देखो मैं हेडलाइट दूंगा, देखो हेडलाइट अभी बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है थोड़ा हल्का करके। जब ज़्यादा एक्सीलेटर दूंगा, देखो ज़्यादा एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो लाइट कम रहा है। क्यों कम रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है? देखो हल्का में ठीक है, हल्का में बढ़ रहा है, देखो हल्का में बढ़ रहा है, और ज़्यादा एक्सीलेटर दूंगा तो कम जा रहा है। इसका प्रॉब्लम क्या हुआ है, इसका रीज़न क्या हुआ है दोस्तों, मुझे तो पता चल गया। तो दोस्तों ये है रेगुलेटर चार्जर इसका, ये RTR का है, 755 रुपये इसका कीमत है और इसे डालना पड़ेगा। ये ख़राब हो गया, इसका कारण ये लाइट प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो मैं इसे लगाता हूँ और बाइक का लाइट ज़्यादा होता है कि नहीं आपको दिखाता हूँ। तो इसका रेगुलेटर चार्जर यहाँ है, इसे मैं खोलूँगा और नया डालूँगा। ये ओल्ड वाला है, ये चार्जर ये ख़राब हो चुकी है और ये न्यू वाला है। तो इसे मैं लगा दूंगा और लाइट बिल्कुल बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले सॉकेट वगैरह लगा देता हूँ, पहले लगाने से क्या होता है, लगाने में अच्छा होता है। कनेक्शन मैंने कर दिया और इसको सेटिंग कर दूंगा। अब लगा दिया, बाइक को स्टार्ट करते हैं, चलो। देखो लाइट नहीं कम रहा है, ठीक है, नहीं कम रहा है। तो दोस्तों अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप देख लीजिए दूसरे बाइक का बैटरी चेंज करके। बैटरी लगाने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो ही आप रेगुलेटर चार्जर लगाइए। रेगुलेटर चार्जर ऐसा चीज़ है जो हेडलाइट का एम्पियर को हाई लो कर सकता है, किसी का कारण से उसी का कारण से हेडलाइट बॉल ज़्यादा कटता है और उसी का कारण से हेडलाइट लाइट भी कम होता है। तो रेगुलेटर चार्जर का प्रॉब्लम का कारण ही हेडलाइट का प्रॉब्लम है। आप रेगुलेटर चार्जर को चेंज कीजिए, आपका लाइट बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से काम करते हैं हेडलाइट के बारे में और इसी तरह से दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने लगाया और पूरा सिस्टम चेकअप करके दिखाया, अब मैं आपको लाइट दिखा देता हूँ। देखो इसका ताकत पूरा एकदम बढ़ चुकी है और लाइट एकदम पहले जैसा हो गया है। ये चार्जर का कारण ही होता है दोस्तों, ये चार्जर चेंज कर दीजिए, आपका बाइक का लाइट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।